Hi friends, welcome to Anna's Recipes and I'm your host and dost Anamika. Friends, आज बनाने वाले हैं हम अपने ब्रेकफास्ट सीजन में वेजिटेबल सैंडविच. फ्रेंड्स, आपने वेजिटेबल सैंडविच के बारे में बहुत सुना होगा, काफी लोग बनाते रहते हैं. बहुत सिंपल रेसिपी है, हम एवरीडे अपने किचन में बनाते हैं. लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सैंडविच जो मैं नाश्ते में करती हूँ, जो मेरे स्टाइल का है, विच इज वेरी मच डिफरेंट. तो आप मेरे स्टाइल का ये वेजिटेबल सैंडविच ट्राई कीजिए एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत डिलीशियस है. तो आइए देखिए मेरे स्टाइल की वेजिटेबल सैंडविच की ये रेसिपी. Hey friends, click on the subscribe button and press the bell icon to get the latest updates about my recipes. जी, मैंने लिया है 1 बिग अनियन, 1 बिग टमाटो, छोटा सा एक बॉइल्ड पोटैटो एंड 1 कैप्सिकम. आप चाहें तो कुछ और वेजीज भी ले सकते हैं. स्पाइसेस में 2-3 चम्मच वेज मेयो, थोड़ा सा गरम मसाला, एक ग्रीन चिली, कुछ मिक्स्ड हर्ब्स हैं, इटालियन सीजनिंग मेरे पास, थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर, कुछ ब्राउन रेड स्लाइसेस हैं, आप चाहें तो वाइट रेड स्लाइसेस भी ले सकते हैं. एक बोल में मैंने सारे वेजीज मिक्स कर देती हूँ. कैप्सिकम, अनियन, टमाटोज अच्छे से मिक्स करके मिला देते हैं. मसाला, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, गरम मसाला थोड़ा सा, 1/4 चम्मच ही काफी है. मिक्स्ड हर्ब्स जिसमें मेजरली ऑरिगेनो और थाइम है, 1 ग्रीन चिली, थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है. इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए. और अब रेड स्लाइसेस पे वेज मेयो सॉस को लगा के अच्छे से स्प्रेड करके हम ये मसाला उसमें रखेंगे. ये मसाला आप ब्रेड पे लगा दीजिए, आप जितना लगाना चाहते हैं. से 4 चम्मच इसे भर दिया है और इतना मसाले में हम 4 सैंडविच आराम से बना सकते हैं. ये देखिए, दूसरी पे भी मैं लगा लेती हूँ. इसी तरह से अपने सारे सैंडविच पे मैं मसाला लगा के रखा हुआ है. अब इसे हम सेक लेते हैं. तवा ले लिया मैंने नॉनस्टिक, थोड़ा सा मैंने डाला क्लेरिफाइड बटर, आप घी भी ले सकते हैं. दूसरी स्लाइसेस पे रख दी और इसे हमें थोड़ा सा घी लगा के दोनों साइड से क्रिस्पी सेकना है. आप गैस को थोड़ा तेज कर लीजिए, उसके बाद इसे लो गैस पे सेकिए, एकदम क्रिस्पी बनेगा ये. इसको ध्यान से हमें उठाना है क्योंकि ये वेजीज हैं. ये देखिए, आप चाहे तो इसे ग्रिल कर सकते हैं ग्रिलर पे, सैंडविच मेकर में भी आप इसे बना सकते हैं. लेकिन मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको बिना टूल्स के, कि आप बिना टूल्स के भी क्रिस्पी सैंडविच कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊं, वो मेरा पर्पस है. तो आप तवे पे भी इसको बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बना सकते हैं. इसी तरह से अपने बाकी के सैंडविच भी सेक लेती हूँ. लगा देती हूँ इस पे घी, आप चाहें तो बटर यूज़ करें, बट मुझे इसमें घी पसंद है तो मैं थोड़ा सा घी डाल के बना रही हूँ. देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है, एकदम क्रिस्पी बने हैं सिम गैस पे हमारे सैंडविच. बहुत ही आराम से आपको इन्हें उठाना है. अगर आप चाहें तो आप एक चीज की स्लाइस भी ब्रेड के बीच में लगा सकते हैं. ये देखिए, ये सैंडविच इतने सिंपल है बनाने में और इतने क्रिस्पी है. इससे ज्यादा इजी नाश्ता क्या हो सकता है.